गाय के पेपर ऊपर पढ़ा तनी से देखी। हेलो राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूं और प्रार्थना भी करती हूं कि हम सभी स्वस्थ रहें। और आती तो हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। ये तो समय के साथ बदलाव, जैसे मौसम चेंज होते रहते हैं, उस हिसाब से हमारे पास बीमारियां भी आती जाती रहती हैं। कभी कुछ लगा ही रहता है इस समय, जैसे कि मेरे घर में चल रहा है। लेकिन ऊपर वाले की कृपा भी है और आप लोगों की प्रार्थना है। हम मतलब घर में धीरे धीरे माहौल कम हो रहा है, कम हाँ, बहुत परहेज करें डैडी, शुगर कम होएगा। नारियल पानी पिए चला ही डैडी, नारियल पानी पिए चला। तो दिखा लिया है डैडी को, 2 घंटे लगे। यही पीना हाँ, यही पीना हाँ, यही पीना, पाइप लगा के दे दी। तो दिखा सुना के अभी मैंने कहा थोड़ा सा यही पिला दिया जाए नारियल पानी। इनकी भी रिपोर्ट ले ली है, जांच करा लिया है। अभी फिर से दोबारा से जांच करने के लिए डॉक्टर ने बोला है, फिर लेके आऊँगी फिर बाद में। सुबह से यही जल्दी जल्दी करके आई और हॉस्पिटल में ये हुआ कि हो गए, अभी 11 बज रहे हैं। 11 बजे सारी जांच वगैरह सब कुछ करा के दिखा लिया है। आज की रिपोर्टें मिल गई हैं, 2 दिन प्लेटलेट की जांच करा ली है डैडी को छोड़ के, फिर इनको लेकर आई। अभी इनको हंसी आ रही है, अभी ठीक हो रहा है ना, नहीं बोलती बंद हो गई थी एक दिन, तो एक दिन एकदम शांत, अभी ठीक हो रहा है, हंसी बहुत आ रही है। तो मैं 2-3 दुकान पे गई, उसके बाद नारियल लिया। इस समय पूरे मतलब मार्केट में जगह जगह नारियल, क्योंकि डेंगू इतना ज़्यादा फैला हुआ है और लोग खूब नारियल पानी वगैरह, भाई डॉक्टर भी बोल देते हैं और सब सुनते भी हैं कि कीवी, नारियल पानी, पपीते का रस, गुलोय, ये तो पूरा आज से नहीं, डेंगू जब से मतलब डेंगू का प्रकोप चलने लगा है तब से, मेरे को एक बार कम से कम 3-4 साल पहले हुआ था डेंगू, तब भी यही ट्रीटमेंट उस समय चल रहा था। रातों दिन चला रही हैं, रेस्ट कर। अच्छा अच्छा, रातों दिन चला रही हूँ। इनको लेकर गई, जाते वक्त बैठ के चुपचाप चले गए और आते वक्त मैं चलाऊंगा तुम बैठोगी, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, इनका कहना है। ठीक हो जाओ जल्दी से बस। तो घर पहुंचने के बाद मैंने दाल फटाफट पहले डाली, दोपहर के खाने का टाइम हो गया था और क्योंकि मम्मी दाल ढूंढ रही थी, उन्हें मिली ही नहीं और दीक्षा थी नहीं घर पे, तो दाल डालने के बाद भुजिया बनाई, उसके बाद सब लोगों ने फिर खाना पीना किया। तो गुड मॉर्निंग, अगले दिन की सुबह हो चुकी है और आके यहाँ बस बैठी हूँ थोड़ा सा, और काफ़ी ठंडा लग रहा है, मौसम भी अब चेंज हो रहा है और अक्सर जब चेंज होता है मौसम उस सीज़न में ज़्यादा ही तबीयत ख़राब होती है। और आप लोगों के भी बहुत सारे लोगों के कमेंट आए जिसके किसी घर में मतलब घर में कोई ना कोई डेंगू से बीमार हुआ है या खुद को भी हुआ है, तो मतलब मैं ही नहीं जूझ रही हूँ, आप सभी बहुत सारे लोग इस मतलब बीमारी से जूझ रहे हैं। लेकिन यही मैं कहूँगी, क्योंकि मुझे भी हो चुका है, देव को पहले हो चुका है, अब इनका नंबर है, ये बीमार है, तो लेकिन टाइम से हर चीज़ दवा और इलाज से ठीक हो जाता है, इतना इसमें घबराने वाली बात नहीं होती है। और ये एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है, कोई भी चीज़ लिमिट से ज़्यादा नहीं देनी होती है, जैसे कहते हैं पपीते का पत्ता या नारियल या फिर जो भी गिलोय वगैरह, एक टाइम 2 या 3, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार 3 बार से ज़्यादा कभी नहीं देना चाहिए। और डॉक्टर भी मना करते हैं, क्योंकि मैं डॉक्टर से जैसे बात करी काफ़ी देर, तो वो यही बोल रहे थे कि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जैसे बोल दिया कि इससे फ़ायदा होगा, तो वो दिन भर वही पिला रहे हैं कि एकदम से ठीक हो जाए, तो उससे और ज़्यादा फिर दिक्कतें आ जाती हैं। वो तो ठीक होता है पर कुछ और भी गड़बड़ हो जाती है। और अभी यहाँ मैंने बच्चों का फटाफट नाश्ता बनाया
और इनको स्कूल भेजने के लिए। और सुबह ही आज मेरा सिलेंडर ख़त्म हो गया था। बड़ी गुस्सा आती है जब इतनी जल्दी हो और सिलेंडर ख़त्म हो जाए। मैंने क्या किया, सिलेंडर आगे ही रख दिया था, लगा के पहले बना लिया। मैंने कहा सिटिंग बाद में करूँगी। और यहाँ पर सबकी चाय बन चुकी है, तो तीन तरह की मेरी चाय आप लोगों ने देख ही लिया है कि डैडी की अलग बनाती हूँ बिना चीनी वाली, इनकी ब्लैक टी बन जाती है, उसके बाद मैं भी अभी मम्मी के साथ दूध वाली चाय पी लेती हूँ। अभी मैंने काढ़ा पीना बंद कर रखा है कुछ दिनों से, और बस डैडी को दवा दे दी है। और उसके बाद इनकी, ये कह रहे थे मेरे बाल कटिंग कर दो, बड़े हो रहे हैं और अब ठीक हो रहे हैं, तो अब थोड़ा सा इनको वो भी हो रहा है। कह रहे हैं एक दो दिन में मैं ड्यूटी जाना शुरू करूँगा, एक हफ्ते से छुट्टी में थे, तो अब थोड़ा सा ठीक हो जाएंगे तो ड्यूटी भी शुरू हो जाएगी इनकी। और दवा दुआ इसमें बहुत ही असर होता है, मुझे ऐसा लगता है। मैं भी उठ के सुबह सुबह तो प्रार्थना करती हूँ, रात में सोने से पहले करती हूँ, जब भी याद आ जाता है तब भगवान से यही प्रार्थना करती रहती हूँ कि सब कुशल मंगल से रहें, इससे बढ़कर कुछ नहीं है संसार में। एक बार बीमार होता है कोई घर में ना, तब देखिए कैसे लगता है कि सब बेकार है, धन दौलत सब बेकार है। सबसे फर्स्ट जो सबसे पहला होता है हेल्थ, वो स्वस्थ है तो सब कुछ अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये गिलोय हमारे छत पे, जो जब हमें डेंगू हुआ था ना उस टाइम पे, तब लगाई थी, उसके बाद से तो हम ठीक हो गए थे। क्यों, जब मैं बीमार हुई, देव बीमार हुई, तो हमारे घर में ये गिलोय नहीं थी, तो बहुत ढूंढ ढूंढ के लाते थे। और पपीते का पेड़ भी हमने लगा रखा है, लेकिन उसमें बहुत छोटे छोटे पत्ते हैं, तो तब भी मैंने उसी में से तोड़ कर बनाए। अभी हो रहा है दोपहर का समय और हम गए थे हॉस्पिटल दिखाने के लिए। आज मेरा भी दवा, मतलब मेरी भी दवा ख़त्म हो रही थी, तो दोनों लोग गए थे वहाँ से दिखा के लौटे। महीने का राशन कई दिनों से लेने की सोच रहे थे, तो ये बोले यहीं से लेते हुए चलो, फिर दोबारा ना आना पड़े। यहीं बैठ के लिस्ट बनाई, उसके बाद दे दिया है, सामान निकाल रहे हैं, तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि सामान निकले और चलें। सुबह डैडी को हॉस्पिटल लेकर गई थी, अभी तबीयत ठीक है, इनकी भी तबीयत अभी काफ़ी ठीक है, अभी चलने फिर इनको कितना भी मना करो मानते ही नहीं हैं, करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ लगे ही रहते हैं। तो हमने कहा चलो राशन लेते हुए चलो। तो मार्केट में दीक्षा को बुला लिया था, क्योंकि स्कूटी में सामान लेकर जाने में दिक्कत नहीं होती, और हम थैला लेकर नहीं गए थे, तो वहीं बोरी में ही दे दिया था। और ये दवाइयाँ हैं, इनके भी पैर में थोड़ा सा दर्द होता है, नसें जो होती हैं ना रात में, जैसे पैर ऐंठ जाता है, तो जहाँ पे मैं माइग्रेन की दवा कर रही थी वहीं पे इन्होंने भी दिखाया है एक महीने पहले, पिछले महीने से वहाँ से ये भी दवा कर रहे हैं। तो ये आयुर्वेद की दवा है, इससे मुझे भी काफ़ी आराम हो गया सर दर्द में, और इनको भी आराम हो रहा है। तो दोनों लोगों की ही दवा दिखा कर ले आए पहले सुबह सुबह से, वही काम, फिर जल्दी जल्दी नहा धो के तैयार होके पहले डैडी को दिखा के आई थी, फिर आके आज मम्मी ने ही दोपहर में कढ़ी बनाई थी खाने में। आज का खाना मम्मी ने ही बनाया, क्योंकि मेरा भाग दौड़ पहले उन डैडी को दिखाना, फिर मैं खुद ये हॉस्पिटल चले गए, हमारा दूर था, जहाँ डैडी को दिखाते हैं वो तो पास में हॉस्पिटल था, तो हॉस्पिटल के ही चक्कर कटे हैं। और एक महीने की दवा ले आ लिए हैं, तो ज़्यादा घुमाई तो शुगर की दवा डैडी की चेंज कर दिया है, उससे थोड़ा सा सर घुमाने पे डॉक्टर ने बोला था कि चीनी खा लेना, तो वही डैडी बोल रहे चीनी खा लो। और अभी ये देखिए मम्मी लेटी हुई है। हाँ डैडी, डैडी इधर बैठे हुए हैं, डैडी दिखा के डैडी घर छोड़ के फिर मैं और ये चले गए थे हॉस्पिटल, और मम्मी ने आज कढ़ी बनाई। देखिए मैं भगोने में लेके खाने जा रही हूँ। भगोने में ही थोड़ी सी बची थी, एक बार जाते वक्त भी खा के गई थी, और आई हूँ फिर मन कर रहा था तो इसी में थोड़ी सी बची, इसी में थोड़ा चावल डाल के इनको भी दिया है। अंदर ही है, कमरे में ही है, क्योंकि सुबह से लगे हुए थे। कढ़ा है अब थोड़ी सी बची रही, तो क्या कह रही हम आई नहीं बच, जब जितनी बची रहे मम्मी वो मैं इनका आधा दे दे, आधे ज्यादा दे दे, हम आधा से कम ले है। तब दूध से खाई है, दूध खाई है, दूध दे नहीं। और तबीयत ठीक ठाक, तबीयत पानी आज ठीक ठाक। डैडी दिल रखे पर यहाँ कथा पर बोल दे हाँ ठीक है, दवाई खाए से आराम लागत, दवाई खाए से दर्द सब गायब हो गए, मां से ये हो गए से खाए नहीं, अब ये ठीक खाए हो।
तो बस अभी सबको चाय नाश्ता करा रही हूँ। एक बार हमारी हो गई थी चाय, पर अभी इनके दोस्त आए थे इनको देखने के लिए, मिलने के लिए, तो फिर से मैंने दोबारा से बनाई और अपने लिए एक कप बचा के रखी थी। मेरा भी मन था तो मैंने पी लिया। तो मैं और मम्मी निकल के आ गए हैं मार्केट। और कल हमने चश्मा बनने के लिए दिया था, मम्मी का चश्मा गया था टूट है मम्मी। हाँ, कितना दिन से इतना डैडी और ए, मतलब ये बीमार हो गए, हमारा निकलने का मौका ही नहीं लग रहा है। ये गुरुद्वारा है, पीछे मंदिर है। तो फिर इतने दिनों के बाद जब उन लोग की हालत थोड़ी ठीक हुई, तब मैं और मम्मी निकल के आए थे, कल आए थे, देकर गए थे, पसंद वसंद करके, प्रेम वगैरह, आज बन गया होगा। तुमने कहा चलो लेकर आते हैं, शाम हो गई है, इस समय बस यही सब चल। तो जैसे कि हम लोग यहाँ रह रहे थे, हम लोग ऐसे ही बोलते हैं तो नहीं समझ में आता, पर मम्मी अपना गांव वाली जैसे बोल रहे थे ना, तो जो चश्मे वाले भैया थे उन्होंने मतलब कहा हम भी वहीं के हैं, तो हमारे यूपी के ही वहीं के वो आसपास के मिल गए, तो अच्छा लगा, थोड़ा सा डिस्काउंट भी दिए। देखा लगाई के पेपर ऊपर पढ़ा तनी से देखी। अब सही है ना? अच्छा कहा दूसर वाला, कहा ही रहा ना मैं जो टूट गया। देखा लगाई के पेपर ऊपर पढ़ा तनी से देखी। अब सही है ना? अच्छा कहा दूसर वाला, कहा ही रहा ना मैं जो टूट गया, कहीं इधर से उधर उधर होएगा शायद। ये देख, ये मम्मी का दूसरा चश्मा ये टूट गया था, तो आज बन गया साइड। कई दिनों से सबके बीमार होने की वजह से काफी लेट हो गया, कई दिनों बाद मम्मी को पेपर पढ़ने का अच्छे से है। फिर भी मम्मी पढ़ती थी, लाइट सारी जला देती थी, तो थोड़ा थोड़ा सा दिक्कत होती थी ना। बड़ी बड़ी हेडिंग पढ़ लेते रही मम्मी, छोटा वाला नहीं, छोटा छोड़ देते थे। तो इस समय हमारे घर में डेली करेला बन रहा है, तो दो तरह के अक्सर मैं सब्जी बना लेती हूँ, क्योंकि डैडी बोल रहे हैं मैं करेला ही खाऊंगी, उनको है कि मैं कितनी जल्दी ठीक हो जाऊँ। और कोई भी अगर बीमार रहता है, ये भी पूरा परहेज कर रहे हैं, परहेज करे साथ में दवाई खाए तो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाते हैं। और ये भी, और इस समय देखो मैं पपीता ही काट रही हूँ, पपीता, क्योंकि इसमें पपीता बहुत फ़ायदेमंद होता है डेंगू में। तो मैं, आप लोगों ने तो मुझे बहुत सारी सलाह दी और अच्छा लगा मुझे जान के, मैं उसमें से कई चीज़ फॉलो भी कर रही हूँ। तो मैं जो करी सिंपल सी चीज़ें कुछ बताती हूँ, अगर डेंगू से घर में कोई परेशान है ना, तो आप लोग भी ये चीज़ करिए, जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। और यहाँ पर पपीता, मैं अभी पपीते की सब्ज़ी बना रही हूँ, इनको बहुत पसंद भी है, और इस बीमारी में डेंगू में ये पपीता फ़ायदा भी करेगा, तो आज बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनेगी इस समय के सीज़न के हिसाब से, बीमारों के हिसाब से। और पपीते को उबाल के, पपीता और गिलोय दोनों ही कूट के डाल दीजिए उसमें, पानी में उबाल के रख लीजिए, दिन भर में एक एक गिलास तीन बार पिए, ढेर सारे पानी में उबालिए, और नहीं एक गिलास तो आधी आधी गिलास तीन बार पिए। और उसके बाद जो कीवी फल आता है वो दो बार एक बार दिन भर में खाएं, और उसके बाद एक आध नारियल, ये नहीं बहुत ज़्यादा नारियल, क्योंकि डॉक्टर मना कर रहे हैं, लीवर पे अटैक करता है, मतलब बहुत ज़्यादा नारियल पानी पीना भी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो हर चीज़ एक लिमिट में ही करिएगा, बीमार होने का मतलब, मैं बार बार वही बातें बोल के क्या समय जाया करूँ। तो ये टेस्टी से पपीते की हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद सब्ज़ी, बहुत ही आसान है और सब मतलब सबको बहुत टेस्टी, लेकिन थोड़ा सा मीठी आ रही थी क्योंकि पपीता जो है पकने वाला था। तो यहाँ पर मैंने पहले पपीते को फ्राई कर लिया, काट के छील के, फिर थोड़ा सा तेल डाल के उसमें खड़े मसाले डाल दीजिए, जीरा, हींग, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी, उसके बाद प्याज, मिर्च, अदरक, लहसुन को एक साथ पीस कर उसको डाल के भूना है। उसके बाद मैंने टमाटर डाल के पेस्ट बनाकर भूना है, और अभी हल्दी और मिर्च पाउडर और ये सब्जी मसाला, ये सब्जी मसाला आप लोग सोच रहे हैं कौन सा सब्जी मसाला है, तो मम्मी गांव से लेकर आई मुझे, क्योंकि ये पुड़िया वाला मसाला बहुत अच्छा लगता है और ये यहाँ पर नहीं मिलता, गांव में ही मिलता था, तो मैं बोली थी कि इसका स्वाद मुझे अच्छा लगता है सब्जी में, तो सिर्फ यही सब्जी मसाला डालूंगी। वैसे आप जैसे ये सब्जी मसाला ना डालें तो आप वही हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, गर्म मसाला,
ये डाल सकते हैं। गरम मसाला सबसे लास्ट में डालिएगा हरे धनिए के साथ में, बाकी पहले डाल दीजिएगा सारी चीज़ें, और डाल के बढ़िया सा भूंज लीजिए। भूंजने के बाद जो फ्राई करके पपीते रखे थे वो डाल दिया, फिर पानी अपने हिसाब से, जैसे आपको सूखा या फिर तरी वाला खाना है उस हिसाब से पानी डाल दीजिए, और फिर बस नमक डाल के सब्जी को पका लीजिए और हरा धनिया ऊपर से डाल दीजिए। और यहाँ पर ये मेरी करेले की भुजिया भी बन गई है। तो हमारा खाना हो गया है तैयार, अब इस वीडियो को भी एंड करने का समय आ रहा है। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें, प्यारे प्यारे कमेंट जरूर कर दिया करिए, बहुत ही अच्छा लगता है। और लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, प्लीज़ प्लीज़ कर लें जल्दी से, और मेरी फैमिली का हिस्सा बने। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, किसी भी परेशानी में बिल्कुल हिम्मत ना हारें मेरी तरह, और हौसला रखें। हर संकट कुछ समय के लिए ही आता है, फिर सब ठीक हो जाता है।